नमस्कार दोस्तों, मैं उपन झागड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों आपको पता है कि लेबर कार्ड एक बहुत ही अहम दस्तावेज होता है। अभी तक उत्तर प्रदेश के लेबर कार्ड की ऑफिशियल जो वेबसाइट थी वो वर्क नहीं कर रही थी, लेकिन अब ये चलना स्टार्ट हो गई है। अब आप लेबर कार्ड घर बैठे ऑनलाइन बना सकते हैं। मैं उस लेबर कार्ड की बात कर रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश सरकार बनाती है, जिसके तहत बेटियों की शादी में 51,000 रुपए, लेबरों को साइकिल मुफ्त में, चिकित्सा वगैरह बहुत सारी स्कीमों का लाभ दिया जाता है। इसी को श्रम कार्ड या मजदूर कार्ड भी बोला जाता है। तो इसी कार्ड को कैसे आवेदन करना है इस वीडियो में फुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, इससे आपको ए टू जेड जानकारी समझ में आ जाए। तो चलिए पूरी डिटेल के लिए हम आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों फाइनल मैं आ चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने आर्टिकल पर, और यहाँ पर मैंने और बहुत सारी डिटेल दी है कि यूपी लेबर कार्ड के लिए पात्रता क्या है, आवश्यक दस्तावेज क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिना दस्तावेज के आप लेबर कार्ड आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो ये जरूर एक बार पढ़ें। और इसकी पात्रता क्या है, फायदे वगैरह क्या, किन किन योजनाओं का लाभ मिलता है, ये सारा डिटेल दिया है। और आवेदन करने के लिए डायरेक्ट आपको मैंने इमेज के साथ, फोटो के साथ बताया है कि कैसे आवेदन करना है। तो मैं लाइव करता हूँ। इसके लिए आपको यूपी लेबर कार्ड ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश श्रम विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट का ये लिंक दिया है मैंने, इसी पर क्लिक करके वहां पर पहुंचना है। तो जैसे दोस्तों आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। यहीं से दोस्तों आपके सारे काम करने होते हैं, जैसे कि आवेदन, श्रमिक का आवेदन, अगर आपको नया लेबर कार्ड या मजदूर कार्ड बनाना है तो वो, नवीनीकरण भी यही, पंजीकरण नवीनीकरण भी यही करना होता है, योजना का आवेदन, जो भी योजनाएं मैंने आपको बताई उन सभी योजना में अगर आपको आवेदन करना है तो भी यहीं से होता है। श्रमिक का सर्टिफिकेट यहीं से डाउनलोड होता है, उपकरण भुगतान वगैरह सब यहीं से होता है। तो इसी पोर्टल से आज हम ऑनलाइन करके देखेंगे। तो ऑनलाइन करने के लिए आपको श्रमिक वाले ऑप्शन पर आना है और श्रमिक पंजीयन या संशोधन के एक ऑप्शन दिखता है, इसी पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप ऐसे पोर्टल पर आ जाएंगे। सबसे पहले अगर आपको नया श्रम कार्ड बनाना है, मतलब कि लेबर कार्ड बनाना है, तो आधार कार्ड जिसका भी बनाना है उसका आधार कार्ड संख्या यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके बाद अपना मंडल सेलेक्ट करना होगा दोस्तों कि आपका मंडल कौन सा है। देख सकते हैं बरेली, आगरा, कानपुर, वाराणसी, जो भी आपका मंडल हो वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपना जनपद सिलेक्ट कर लेना है और एक मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है ना। इसका जो अंक यहाँ पर दिख रहा है उसे कैप्चा बोलते हैं, वो डालकर आवेदन करें पर क्लिक कर देना है। तो अब दोस्तों जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला उस पर एक ओटीपी गया है, वह ओटीपी यहाँ डालना और प्रमाणित करें पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका मंडल आ जाएगा और श्रमिक का आधार कार्ड आ जाएगा। इसके बाद ओटीपी फिर से मांगा जा रहा है, तो आपको फिर से ओटीपी डालना है। अगर ओटीपी नहीं आ रहा तो पुनः ओटीपी भेजे पर क्लिक करके दोबारा मंगा सकते हैं और फिर से डाल सकते हैं। अब दोस्तों आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी गया है, जो भी आपके आधार कार्ड मोबाइल नंबर लगा होगा उससे ओटीपी गया है, तो वो ओटीपी डालना और प्रमाणित करें पर क्लिक। दोस्तों आपके आधार में जो भी डिटेल है, आपका फोटो, नाम अंग्रेजी में, हिंदी में, आपके पिता का नाम, आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर, सारी डिटेल यहाँ पर फेच कर लेगा। सब कुछ फेच करने के बाद दोस्तों मैंने हाइड कर रखा कि पर्सनल डिटेल है, आपको डिक्लेरेशन देने हैं, देख सकते ऊपर भी और नीचे भी। डिक्लेरेशन देने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आधार सत्यापन पर क्लिक कर देना है। आपके आधार का सत्यापन हो गया है, ओके करना है। अब दोस्तों आपके सामने श्रमिक के पंजीयन का आवेदन पत्र खुलकर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी बहुत सारी बेसिक डिटेल पहले से ही ले लेगा, जैसे कि श्रमिक का आधार कार्ड ले लेगा और आधार कार्ड से आपका राशन कार्ड नंबर भी फेच कर लेगा। देखिए मैंने हाइड कर रखा है, आपका नाम इंग्लिश में और हिंदी में, पिता का नाम इंग्लिश और हिंदी में ले लेगा। अब आपको अपने माता का नाम यहाँ पर अंग्रेजी में और हिंदी में भरना होगा। इसके बाद कार का प्रकार चुनना होगा कि आप किस प्रकार का कार करते हैं, देख सकते हैं बिल्डिंग का काम, बढ़ई का काम, कुआं खोदने का काम, तो जो भी आप कार करते हो, ईंट भट्टे का काम, यहाँ पर 40 प्रकार के कार दिए गए हैं, तो आपको उस कार को सिलेक्ट करना है। अगर इनमें से कोई आपको देखना है तो जो भी हो, घर बनाने का, मिट्टी का काम, सीमेंट का काम, जो भी करते हो वो आपको सिलेक्ट करना है। और आपका लिंग पहले से सिलेक्ट होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले सिलेक्ट होगी, वैवाहिक स्थिति चुननी है, विवाहित हैं अविवाहित। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, तो आपकी यहाँ पर आयु ऑलरेडी भरी होगी, जात सिलेक्ट करनी है कि आपकी जात कौन सी है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नंबर आपका पहले से भरा होगा। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल भरनी होती है, नियोजक का मोबाइल नंबर। तो नियोजक कौन होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो नियोजक दोस्तों वो व्यक्ति है जिसके यहाँ आप काम कर रहे हैं,
वो नियोजक होता है, तो उसी की डिटेल भरनी है, उसका मोबाइल नंबर और उसका नाम व पता भरना है। इसके बाद आपने एक साल में कितने दिन काम किया वो भरना है, कम से कम आपको 100 दिन काम करा होना चाहिए तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यदि दोस्तों आप मनरेगा में कार्य करते हैं ना, तो बहुत ही सरल होता है, बहुत जल्दी ये कार्ड बनता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यदि आप श्रमिक मनरेगा में कार्य रहे तो यहाँ पर क्लिक करना है, और इसके बाद दोस्तों अपनी अपनी शैक्षिक योग्यता चुननी है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। ये सब डिटेल भरने के बाद आपको सेव डिटेल एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। बेसिक डिटेल सेव्ड हो चुकी होगी, करना है देख सकते बेसिक डिटेल मैंने भर दिया और ये ग्रीन हो चुका है। अब दोस्तों आपको एड्रेस डिटेल भरनी है, इसका नॉमिनी एंड फैमिली डिटेल भरनी है, बैंक डिटेल भरनी है और फाइनल लॉक करना है। तो चलिए अब हम एड्रेस डिटेल भरते हैं। जैसे आपकी पता क्या है वो पूरा डिटेल भर लेना है। यहाँ पर आपका जनपद पहले से भरा होगा, तहसील सिलेक्ट करनी है, आप नगर निकाय विकास खंड किससे आते हैं पहले वो सिलेक्ट करना है, और इस पर गांव और पोस्ट वगैरह सिलेक्ट करके नीचे आना है। आवेदन का स्थायी पता अगर सेम है तो आपको इस पर क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक नीचे वाली डिटेल भी भर जाएगी, और इसके बाद सेव डिटेल एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। डाटा सेव सक्सेसफुली ओके करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नॉमिनी एंड फैमिली की डिटेल भरनी है। यहाँ पर पूछा जा रहा है विदेश में भी काम करने हेतु, मैं विदेश में भी काम करने हेतु इच्छुक हूँ, अगर आप विदेश में भी काम करना चाहते हैं तो हाँ करें, नहीं तो आप ना पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों आपको नॉमिनी का डिटेल भरना है, वारिस आपको भरना है ना, क्या नॉमिनी भी श्रम विभाग में कार्यरत है, यदि नॉमिनी भी श्रम विभाग में कार्यरत है तो यस करें, और इसके बाद उसकी डिटेल भरें। नॉमिनी का नाम पहले अंग्रेजी में, फिर उसका हिंदी में, श्रमिक से उसका संबंध क्या है वो भरना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर श्रमिक के परिवार के सदस्यों का विवरण भरना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उन सभी का यहाँ पर विवरण भरना है। पहले सदस्य का पंजीकरण संख्या भरना है, सदस्य का नाम भरना है, सदस्य का नाम हिंदी में भरना है, सदस्य का आधार कार्ड नंबर भरना है, इनका लिंक सिलेक्ट करना है, जन्म तिथि सिलेक्ट करनी है, आयु सिलेक्ट करनी है, वर्ष सिलेक्ट करना है, संबंध क्या है वो सिलेक्ट करना है, और शिक्षा क्या है वो सिलेक्ट करके, तो एक श्रमिक में इतनी डिटेल भरी जाएगी, जो उपलब्ध नहीं उसे आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद जोड़े पर क्लिक कर देना है। ऐसे सभी सदस्यों की डिटेल दोस्तों बारी बारी से भरना है। आपके मन में सवाल होगा सदस्य का पंजीकरण संख्या कहाँ से लाएं, तो अगर जो उपलब्ध नहीं उसे छोड़ दें, और इसके बाद सेव डिटेल एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। नॉमिनी एंड फैमिली डिटेल सेव सक्सेसफुली ओके करना है। दोस्तों यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैंक का विवरण भरना है, बैंक की डिटेल भरनी है, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, शाखा का नाम आ जाएगा, खाता का प्रकार क्या है वो भरना है। इसके बाद ये दोस्तों चीजें आपको नहीं पता तो इन्हें छोड़ दें। अगर दोस्तों किसी अन्य राज्य में भी आप पंजीकरण है तो यस करें, नहीं तो इसे छोड़ दें। इसका स्वप्रमाण घोषणा पत्र जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपको भरना है। देखिए श्रमिक पंजीयन हेतु स्वप्रमाण पत्र, ये दोस्तों पूरा देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल आ चुकी है। दोस्तों जो देखिएगा रेड कलर से वो भरना अनिवार्य है, जो रेड से नहीं वो नहीं भरें, अगर आपको नहीं पता तो ना भरें। इसके बाद ये आपको दस्तावेज अपलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि श्रमिक का अपना फोटो अपलोड करना है, स्वप्रमाणित आधार कार्ड की प्रति, दोस्तों आधार कार्ड है उसका फोटो कॉपी कराए, उस पर साइन करें, उसको यहाँ स्कैन करके अपलोड करना है, स्वप्रमाणित बैंक पासबुक, बैंक पासबुक का फोटो कॉपी कराए उसमें साइन करें वो अपलोड करना है, स्वप्रमाण पत्र की प्रतिलिप अपलोड करें, तो स्वप्रमाण पत्र अपलोड करना है तो वो कहाँ मिलेगा, देखिए डाउनलोड करें ऑप्शन मिल रहा है, इसी पर क्लिक करना है। तो स्वप्रमाण पत्र की कॉपी दोस्तों कहाँ से मिलेगी, या तो आपको इस वेबसाइट पर श्रमिक वाले ऑप्शन पर आना है, और यहाँ पर देखते हैं स्वप्रमाण पत्र की प्रतिलिपि डाउनलोड करें, इसी पर आप जो क्लिक, तो ये दोस्तों पूरा फॉर्म आ जाएगा, इसी फॉर्म को भरकर आपको वहां अपलोड करना, मैं इसका लिंक डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पर भी दे दूंगा। और इसके बाद नियोजन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि अपलोड करनी है, जो कि मैंडेटरी नहीं, आप अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ना करें, लेकिन अगर आप नरेगा में कार्य करते हैं दोस्तों तो आप नियोजन प्रमाण पत्र के रूप में नरेगा का कार्ड का कॉपी अपलोड कर दें, और आपका बहुत ही जल्द दोस्तों यहाँ पर लेबर कार्ड बन जाता है। इसका सेव एंड डिटेल पर क्लिक करना है। ध्यान रखना है फाइल का साइज 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, JPEG या PNG फॉर्मेट होना चाहिए। अब दोस्तों बैंक की डिटेल भर चुकी, इसका फाइनल लॉक वाले ऑप्शन पर आप पहुंचेंगे, सारा डिटेल आपका आ जाएगा और आपको फाइनल लॉक करना होगा, और इसके बाद प्रति साल की ₹20 फीस दोस्तों सरकार लेती है श्रम कार्ड की। अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो ₹20 का पेमेंट करना होगा, दो का करना चाहते हैं तो 40 का, तीन का करना चाहते हैं तो 60 का,
जितने साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे उतने रुपए का मल्टीप्लाई करिएगा आप 20 से, तो उतना आपको पेमेंट करना होगा। और आपको बता देंगे लेबर कार्ड को दोस्तों, अगर आप इस साल बना लेते हैं 20 रुपए पे कर देते हैं तो अगले साल उसे रिन्यू कराना पड़ता है। अगर आप रिन्यू नहीं कराएंगे तो आपका लेबर कार्ड एक्टिवेट नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा आप जितने साल का करना चाहें डायरेक्ट एक बार में कर सकते हैं। तो फाइनल लॉक कर देना है और कुछ दिन बाद वेट करना है, आपका लेबर कार्ड दोस्तों यहीं से बन जाता है। मैं फाइनल लॉक इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मुझको आवेदन नहीं करना था, मुझे सिर्फ आपको प्रोसेस समझाना था कि कैसे आप यूपी लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा फॉर्मेट होता है आवेदन करने का, बस आपको फाइनल लॉक वाले स्टेप तक जाना है, फाइनल लॉक कर देना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों ये वेबसाइट कभी कभी थोड़ा सा स्लो वर्क करती है, वर्क नहीं करती है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको एक से दो बार ट्राई करना है और उसके बाद आप लेबर कार्ड आसानी से घर बैठे अप्लाई कर पाएंगे। यहीं से आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, जैसे लेबर कार्ड बन जाता है तो आप यहीं से डाउनलोड करके उसका लाभ उठा सकते हैं। मैंने संपूर्ण जानकारी बता दी है कैसे आप घर बैठे लेबर कार्ड को आवेदन कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक्स वॉचिंग।